हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 13.3, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक कोनिकल टॉम्ब है जिसकी की स्लैंट हाइट 25 मीटर है और बेस डायमीटर 14 मीटर है, ठीक है। और इसके ऊपर वाइट वॉश करवाना है। अगर वाइट वॉश का जो रेट है वो ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये इसका रेट है। तो बताइए कि कर्व सरफेस एरिया जो है उसे वाइट वॉश करवाने में कितने का खर्चा आएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं कोनिकल टॉम्ब, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दिया है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट एल से डिनोट करते हैं, ये दे रखी है 25 मीटर, और इसका बेस डायमीटर पूरे यहाँ से यहाँ तक होगा, दैट इज व्हाट डी, डी इज गिवन है 14 मीटर, ठीक है। और इसका क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया जो है सी एस ए उस पर वाइट वॉश करवाना है, ठीक है। तो सी एस ए जितना होगा उतने पर ही वाइट वॉश होना है। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर में आर डी से निकल जाएगा, एल आपको दे ही रखा है, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन में, इन कोनिकल टॉम्ब आपको एल की वैल्यू क्या दे रखी है, स्लैंट हाइट 25 मीटर, डायमीटर दे रखा है इसके अलावा डी, डी इज 14 मीटर। तो आप पहले निकालें आर, आर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी अपॉन टू। तो डी, डी इज 14 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7। तो जो रेडियस है वो आ गई हमारी 7 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास एल भी है और आर भी है, अब हम निकाल सकते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया टू वाइट वॉश, जो कि हमें वाइट वॉश करवाना है, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब, ठीक है। सी एस ए होता है पाई आर एल, ये हो गया पाई, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, आर यह हमने फाइंड किया है 7, और एल जो आपको गिवन है दैट्स 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 22 × 25 मीटर स्क्वायर, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 550 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा एरिया टू वाइट वॉश, ठीक है, इतना एरिया वाइट वॉश करवाना है, ठीक है। और आपको जो रेट ऑफ वाइट वॉश दे रखा है वो दे रखा है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर के रेट से, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस रेट से इतने एरिया पर वाइट वॉश होना, तो रेट है, तो कॉस्ट, कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश वुड बी इक्वल टू जितने एरिया पर हमको वाइट वॉश करवाना है 550 मल्टीप्लाइड बाय, और जिस रेट से करवाना है, ठीक है। तो रेट कितना है, रेट ऑफ वाइट वॉश है 210 और ये अपॉन पर 100, ये रुपीस में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1155, ठीक है। तो मीन वाइट वॉश करने में आपको जो रुपए लगेंगे वो है 1155 रुपीस। तो यही हमारा आंसर है, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।